89 बैठकों माटे भाजपे પોતાના સ્ટાર પ્રચારકો મેદાનમાં ઉતારી દીધા છે, જેમાંથી આજે મોરબીમાં તો ત્રણ મુખ્યમંત્રી આવ્યા હતા। ભાજપે આજથી આ સ્ટાર પ્રચારોને લઈને પ્રચંડ પ્રચારની શરૂઆત કરી છે। 89 જગ્યાઓ પર પ્રચંડ પ્રચાર કરવામાં આવશે। અન્ય રાજ્યના સ્ટાર પ્રચારકો ગુજરાતની ચૂંટણી પ્રચારમાં જોડાયા। કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર માંગરોળમાં પ્રચાર કરી રહ્યા છે। ઉત્તર પ્રદેશના સીએમ યોગી આદિત્યનાથ રાજકોટમાં પ્રચારમાં જોડાયા છે। ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા નવસારીમાં પ્રચારમાં જોડાયા છે। तो मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल कोडिनार माणावदर ना प्रचार में जोड़ाया है, जारे जनरल वीके सिंह गोंडल प्रचार में जोड़ाया है। तो राज्य में चूंटणी ने लेने राजकीय पार्टियों द्वारा झंझावती प्रचार करवामां आवी रह्यो छे। भाजपे पोताना प्रचारकों की फौज उतारी दीधी है, तरह केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा जसदण वीछिया विधानसभा में प्रसार करवामां आव्यो हतो, जेमां कांग्रेस पर पण आक्षेप करवामां आव्या। तेमज विछिया में कुंवरजी बावड़िया मध्यस्थ कार्यालय उद्घाटन करवामां आव्यु, साथे जंगी जीतनो विश्वास पण व्यक्त करवामां आव्यो अने कह्युं के भाजप पोतानो ज रेकॉर्ड तोड़शे अने भव्य बहुमती साथे सरकार बनावशे। मने पूरी श्रद्धा ने विश्वास छे के आ चूंटणीनी अंदर भारतीय जनता पार्टी पोतानी ज पोतानो ज रेकॉर्ड ने ब्रेक करीने नवो रेकॉर्ड स्थापित करीने भव्य बहुमती साथे गुजरात अंदर सरकार बनावशे। तो सूरत जिल्लाना महुआ विधानसभा बैठक पर भाजपा विजय विश्वास सम्मेलन योजायुं हतुं। सम्मेलन में यूपीना उप मुख्यमंत्री हाजर रह्या हता। केशव प्रसाद मौर्य यूपीना उपना मुख्यमंत्री तरीके सभा संबोधी चुक्या छे। महुआ बैठक पर आदिवासी मतदारों खूब ज प्रभुत्व रहेलू छे। तो प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल गैरहाजर रहता यूपीना नायब मुख्यमंत्री सभा संबोधी। महुआ विधानसभा छेल्ला बे टर्म थी भाजप विजेता बनतु आव्युं छे। मैं दूसरा दौरा है मेरा गुजरात का, और जो मेरा आकलन है उस आकलन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपना ही जो रिकॉर्ड है सर्वाधिक 127 विधानसभा सीटें जीतने का 2022 के विधानसभा चुनाव में उसको तोड़ेगी, क्योंकि 2022 के चुनाव को 2024 से जोड़ करके हम भी देख रहे हैं और गुजरात की जनता भी देख रही है। इसे आपकी बात 150 पार। तो गुजरात में चूंटणी माहौल जाम्यो छे। राजकीय पार्टियों ने उम्मीदवारों द्वारा जोरशोर थी प्रचार शुरू कर देवामां आव्यो छे। त्यारे केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा सुरेन्द्रनगर जिला की वढ़वाण बैठक पर चूंटणी प्रचार माटे आव्या अने जंगी सभा ने संबोधी हती। सभा में तेमणे भाजपना उम्मीदवार जगदीश मकवाणा ने जीताड़वा आह्वान कर्युं हतुं। तमाम नागरिकों ने मतदान कर लोकशाही पर्व उजवा माटे पण अपील करी, साथे भाजप जंगी बहुमती साथ फरी सरकार बनावशे तेवो विश्वास पण व्यक्त कर्यो। रोजगार हो, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, परिवहन, ऐसे सभी कामों के लिए हमने काम किया है और उसी का निरंतर परिणाम है कि गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। हम फिर से भारी बहुमत से गुजरात की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो भावनगरना महुआ विधानसभा बैठकना भाजपना उम्मीदवार शिवाभाई गोहिले प्रचार शुरू कर्यो। महाराष्ट्रना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रचार में जोड़ाया, त्यारे महुआ खाते कार्यालयनुं उद्घाटन करवामां आव्युं। देवेंद्र फडणवीसे भाजपना कामोने लई जीतनो विश्वास व्यक्त कर्यो। कोरोना समय भाजपे करेला प्रजालक्षी कामों विषे बात करी। ऐसा लगता है कि गुजरात ने मन बना लिया है और फिर एक बार गुजरात मोदी जी के साथ जाएगा, बीजेपी के साथ जाएगा। पूरी दुनिया में जिस प्रकार का माहौल है उसके चलते भारत में आज आम आदमी की जिंदगी को एक प्रकार से सहूलियत देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो अमरेलीना राजूला भाजपना उम्मीदवार हीरा सोलंकीए प्रचार शुरू कर्यो। भंडारिया हनुमान मंदिरना पटांगणमां भाजपनी सभा योजी प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल भंडारिया पहोंच्या हता। हीरा सोलंकीना समर्थकों अने कार्यकरो मोटी संख्यामां उपस्थित रह्या हता। तालुका पंचायतना कोंग्रेसना पूर्व विपक्ष नेता करशन कलसरिया सहितना त्रण पंचोळी आहिर समाजना आगेवानो भाजपमां जोडाया हता।